और दोस्तों मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। देखिए आपको बड़ी खबर मैं बता देता हूं। देखिए रेवाड़ी के शहर के मोहल्ले जो सराय बल बद्रह निवासी दो सगे भाई परवीन और जो राकेश एक ही मकान में रहते हैं। परवीन मकान के पहले फ्लोर पर परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार आपको बता देता हूँ, सोमवार मतलब कल के दिन सुबह प्रवीण के बच्चे स्कूल गए हुए थे और पत्नी बाजार से किसी काम के लिए गई हुई थी। पीछे से घर के अंदर आग लग गई। पहले तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब आग की लपटें तेज़ी से उठने लगी तो नीचे वाले फ्लोर पर मौजूद राकेश के परिवार को इसकी भनक लग गई। परिवार के सदस्य ऊपर पहुंचते इससे पहले आग और ज़्यादा भड़क गई। परिवार के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इसके बाद वहां पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी, लेकिन देखिए जो हाल हुआ है घर का वो देखिए आप इस पंखे से ही पता लग सकता है, मतलब काफ़ी मतलब बुरा हाल हो गया था। और देखिए आप देख सकते हैं कि पुलिस वहाँ पर पहुँची और मतलब घर में जो सका सारा सामान था वो जल गया। परिवार के लोगों ने जो इसके बाद जो दमकल विभाग की गाड़ी आई उन पर आग जो हम कह सकते हैं एक तरीके से आग पर काबू पा लिया था। इसमें घर में रखा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखे से लेकर तमाम जो सामान जल कर राख हो गए। परवीन के मुताबिक आग के कारण उसके लाखों रुपये का सामान जल गया है। इसके साथ ही घटना की जाँच शुरू कर दी। भाड़ावास चौकी जो गेट चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज कर लिए। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, अगर कुछ ऐसी बात निकलती है तो कार्रवाई होगी। रेवाड़ी की जितनी बड़ी खबरें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।